पुरुषों का शौचालय बनाया है और नीचे की ढाला देखो बिल्कुल खुला है ये ओपन में, ये देखो ये हमेशा 24 घंटे ऐसे ही खुला रहता है। इसमें बताएं कि बंद कब होगा और खुलेगा कब। यही हालात दूसरे दरवाजे के देखो, यहाँ पर ये पूरा टूट चुका है। जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल और मैं हूँ आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों इस समय मैं मौजूद हूँ रोहिणी के अंदर और हालांकि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रोहिणी का सेक्टर 14 है और इस तरफ बात करूँ तो ये रोहिणी का सेक्टर 15 पड़ता है। वार्ड नंबर 25 के अंदर आता है ये और इधर ये शौचालय बना हुआ है। हालांकि बाहर से बड़ा ये खूबसूरत शौचालय बना है, आ जाओ मेरे साथ एक बार दिखाऊंगा। दिल्ली नगर निगम का है ये, रोहिणी क्षेत्र में है, वार्ड नंबर 25 में निःशुल्क शौचालय है। और सच्चाई है, वाकई बाहर से जितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है अंदर से ये उतना ही बदसूरत है। वार्ड नंबर 25 की एक पोल खोलने जा रहा हूँ, नेताजी के द्वारा बनाया गया यहाँ पर ये सरकारी शौचालय के पोल खोलने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जनता के पैसे का मिसयूज किया जाता है। हालांकि जितना भी जो सरकारी भवन, इमारत, पुल, पुलिया या इस तरह का कोई भी शौचालय निर्माण किया जाता है वो सही मायने में जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से तैयार होता है। अब उसी टैक्स के पैसे का किस प्रकार से मिसयूज किया जाता है, एक छोटा सा नमूना आपको दिखाने वाला हूँ। और बड़े बड़े शब्दों में यहाँ लिखा है खुले में शौच मुक्त अभियान। और हालांकि यहाँ पर ये खुले में हो रहा है या बंद में हो रहा है उसकी जीती जागती तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए खुले में शौच की अनेकों यहाँ पर बीमारियाँ लिख दी हैं, किस किस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन कागजों पे कुछ है, बोर्ड पे कुछ लिखा है और धरातल पे वाक्य में होता कुछ और है। आए मेरे साथ, ये देखिए यहाँ लिखा है पुरुषों का खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक। और हालांकि ये परमानेंट किस तरह से खुला रहता है उसकी तस्वीर ये देखिए मेरे साथ। यहाँ पर ये दरवाजा है, पुरुषों का शौचालय बनाया है और नीचे की ढाला देखो बिल्कुल खुला है ये ओपन में, ये देखो ये हमेशा 24 घंटे ऐसे ही खुला रहता है। इसमें बताएं कि बंद कब होगा और खुलेगा कब। यही हालात दूसरे दरवाजे के देखो, यहाँ पर ये पूरा टूट चुका है। देखें यहाँ पे ध्यान से, ये कुंडी भी नहीं लगेगी, कुंडी खराब है। और ये देखिए ये पूरा यहाँ पर खराब हो चुका है और अंदर के यहाँ पे मक्खियां जिस हिसाब से भनक रही हैं उसके हालात से आप समझ गए होंगे कितनी अंदर गंदगी है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए पूरे यहाँ पर टॉयलेट जो है बाहर से दिखाओ, यहाँ से ऐसे दिखाओ, ऐसे ठीक है ना, पूरा यहाँ पर गंदगी से भरा हुआ है। और दूसरा भी नमूना आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर भी पूरा यहाँ पर भी भरा हुआ है। और ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना हाथ धोने की व्यवस्था है, ना हगने की और ना मूत्रालय की। दोनों में आप हगने जाएंगे तो भी आपको पानी की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय में जाएंगे तो भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और फिर बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े भाषणों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत स्वच्छ अभियान बनाना है और खाने खाने से पहले हाथ को धोना है, शौच के बाद हाथ को धोना है। लेकिन मोदी जी यहाँ तो ये बता दें हाथ को किस प्रकार से धोना है, यहाँ तो हगने का जो पानी है वही नहीं है तो हाथ धोने का पानी कहाँ से आएगा। एक जीता जागता सबूत के तौर पर यह देखो लोगों ने यहाँ पर टॉयलेट करना शुरू कर दिया बाहर, अब क्योंकि अंदर का दरवाज़ा बंद नहीं होता है, अंदर के दरवाजे की जो नीचे की जो दरवाज़ा है वो ख़राब हो चुका है तो मजबूरी में लोगों ने यहाँ पर जो है खुले में शौच करना शुरू कर दिया है। और ये जीती जागती तस्वीर मैंने आपको दिखाई है वार्ड नंबर 25 से नेताजी लोगों के द्वारा गए गए सत्यानाश कार्य को दिखाते हुए। मैं दिनेश जैन, सीसीएन न्यूज़ 24 दिल्ली। खबर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करें।